नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर आमिर खान की आने वाली मूवी सितारे जमीन पर को लेकर के। और देखा जाए दोस्तों, इस मूवी को लेकर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मूवी की चर्चा ना ही बड़े बड़े यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया में हम लोगों को देखने को मिल रही है। हालाँकि ऐसा क्यों हो रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें आमिर खान के बारे में तो उनकी मूवियों ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड रचे हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज तक उनके रिकॉर्ड को कोई छू भी नहीं पाया है। तोड़ने की बात छोड़ दीजिए, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड उनकी दंगल मूवी का है, जिसने 2000 करोड़ कमाई करके एक नया इतिहास रचा था। और देखा जाए दोस्तों, आज तक इसके रिकॉर्ड को तोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, इसके आसपास भी कोई घूमता भी नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हम बात कर लेंगे कि सितारे जमीन पर ये जो मूवी है कब तक के रिलीज़ हो सकती है, और ये कौन से ड्रामा पर बेस्ड होने वाली है, और इस मूवी को कौन डायरेक्ट कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अगर हम बात करें आमिर खान के बारे में तो आमिर खान इस समय काफ़ी ज़्यादा व्यस्त नज़र आ रहे हैं। वो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि दिन में तो अपनी मूवी की शूटिंग करते हैं और फिर वो रात को मूवियों का प्रमोशन करते हुए भी नज़र आते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो उनके प्रोडक्शन हाउस में इस समय 5 से 6 मूवियाँ बन रही है, और हाल ही में 1 मार्च को रिलीज़ होने वाली है लापता लेडीज। और इसी के प्रमोशन के दौरान जब वो प्रेस मीडिया से मिले तो प्रेस मीडिया ने आमिर खान से उनकी आने वाली मूवी सितारे जमीन को लेकर के कुछ सवाल पूछे, और आमिर खान ने उनको क्या जवाब दिए, पहले आप ये वीडियो सुनिए। I have started shooting my next film. About 1 week is we've been shooting last one. कि जितना आपको तारे समीपर ने रुलाया है उतना ही सितारे जमीन पर आपको हंसाएगी। दोस्तों देखा, आमिर खान की इस मूवी की शूटिंग 1 फरवरी से तो चालू हो गई है, लेकिन इस मूवियों के बारे में सोशल मीडिया पर कोई बड़ी जानकारी निकल करके नहीं हम लोगों को सामने मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके फर्स्ट पोस्टर को लेकर के, कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इसका जो फर्स्ट पोस्टर है आमिर खान के बर्थडे यानी कि 14 मार्च को हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ आमिर खान ने ये भी बताया है कि ये जो मेरी मूवी है ये सितारे जमीन पर का दूसरा पार्ट होने वाला है, यानी सितारे जमीन पर। लेकिन इस मूवी की जो स्टोरी होगी वो काफ़ी हट के काफ़ी अलग होने वाली है, क्योंकि जहां आपको तारे जमीन पर मूवी ने रुलाया था तो वहीं सितारे जमीन पर ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा हंसाने वाली है। हालांकि दोस्तों, अगर हम इसकी रिलीज डेट के बारे में बात करें तो इसकी जो रिलीज डेट है आमिर खान की फेवरेट रिलीज डेट यानी कि 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है। ऐसे में अब बहुत से लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जहां बड़े बड़े एक्टर एक्शन मूवियां कर रहे हैं, अपनी मूवियों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आमिर खान जैसे मानो अपनी इन मूवियों को लेकर के कुछ खास कमाल करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, और ना ही अपनी इस मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ तो आमिर खान कभी भी देखा जाए झुंड में भागने की नहीं कोशिश करते हैं। उनके कैरियर का हमेशा ये रिकॉर्ड है, वो हमेशा लीक से हट के कुछ नया करने पर ही विश्वास करते हैं। अगर हम उनके फिल्मी कैरियर पर नज़र डालें दोस्तों, तो जहां एक समय लव स्टोरी मूवियों का काफ़ी ज़्यादा क्रेज चल रहा था, तब उन्होंने गजनी एक्शनदार धमाकेदार मूवी दी थी, और जब फिर देखा जाए दोस्तों एक्शन मूवियों का क्रेज चलने लगा, तब आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा टाइप की मूवी बनाई थी। हालांकि वो मूवी फ्लॉप जरूर हो गई थी, जिसको लेकर के आमिर खान काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुए। हालांकि अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में बहुत से ऐसे स्टार हैं जिनकी 5-5, 6-6 मूवियाँ फ्लॉप हो जाती हैं, और वहीं अगर आमिर खान की बात करें तो आमिर खान की सिर्फ 2 ही मूवियाँ फ्लॉप हुई थी, एक लाल सिंह चड्ढा और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद देख लीजिए आमिर खान ने तुरंत 2 से 3 साल का ब्रेक लिया है, तो जाहिर सी बात है आमिर खान जो स्टोरी लेकर के आ रहे होंगे वो वाकई में अपने आप में धमाल बवाल और बेमिसाल होगी। और ऐसा लग रहा है कि आमिर खान का जो रिकॉर्ड है वो आमिर खान ही खुद तोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस समय बड़े बड़े बजट की एक्शनदार मूवियाँ रिलीज हो गई हैं, लेकिन आमिर खान की मूवी दंगल का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आमिर खान की दंगल मूवी का रिकॉर्ड आमिर खान की ही मूवी आने वाले समय में तोड़ने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है,
कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या दंगल मूवी का रिकॉर्ड आमिर खान की ही मूवी तोड़ेगी या कोई और स्टार में इतनी क्षमता है जो आमिर खान की इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ सके। हालांकि दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं RS प्रसन्ना, और RS प्रसन्ना कॉमेडी मूवी बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर माने जाते हैं। तो ऐसे में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए कि आप तक इस तरीके की खबरें पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।